अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। खुदा से उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो जी, हम अपने चैनल पर वापस आ चुके हैं और सबसे पहले मैं सबको मुबारक देना चाहूँगी कि शुक्र है खुदा का लाइट जो है फिर से बहाल हो गई। तो तकरीबन काफ़ी बड़े बड़े शहरों में लाइट नहीं थी तो बहुत मुश्किल हुई, तो इसी वजह से कल की वीडियो भी अपलोड नहीं, क्योंकि रात से ही हमारे मोबाइल जिस दिन हम रात को नहीं लगाते सुबह को पूरा दिन लाइट नहीं होती। तो जी गाइस, आज हम क्या बना रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए आपको हमारी वीडियो को फुल वॉच करना होगा और बहुत मज़ेदार रेसिपी और बहुत आसान तरीके से बना रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ देखें गाइस, मैंने पहनी हुई है इमरान की अपर, तो इमरान जैकेट पहन के गया और ये मेरी शादी से भी पहले की है और इसकी एज मेरे ख्याल है इमरान की एज के साथ मिलती जुलती, हाथ से बनी हुई है और मुझे बहुत पसंद है। तो चले गाइस बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो और हमने क्या क्या किया आज पूरा दिन वो भी आपसे शेयर करते हैं। आज हम क्या बना रहे हैं यहाँ देखें, आज हम बना रहे हैं मुर्गी के पंजे। तो इसको मैंने पानी डालकर चूल्हे पे चढ़ा दिया है, गरम करके मैंने इसको नहीं साफ़ किया, मैंने आज इसको साफ़ किया है और हमेशा जैसे करती हूँ जलाकर पंजे साफ़ किए हैं। तो यहाँ मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ और प्याज, और यहाँ गाइस मेरे पास टमाटर हरी मिर्ची हैं जो मैं अभी वॉश करूँगी पहले, फिर इन्हें काटूँगी। और ये देखें, ये बेसन वाली मिर्चें जो हैं बेसन के साथ भरी जाती हैं, वो भी मैंने ला के रखी हैं। कीमा चाहे बेसन कुछ भी आप इसके अंदर शामिल करके इसको अचारी मिर्च बना सकते हैं, इसको कीमे वाली बेसन वाली कोई भी बना लें, ये बहुत मज़े की लगती है। तो चलें गाइस, सबसे पहले हम इसे पंजों के अंदर शामिल कर, मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है, शामिल कर दिए। अब हम इसमें नमक मिर्च शामिल करते हैं और टमाटर भी। गाइस यहाँ शामिल कर रहे हैं हम इसके अंदर 3 टमाटर, अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर मसाले। सबसे पहले शामिल कर रहे हैं हम इसके अंदर हल्दी 1 चम्मच, दरदरी मिर्च, ये रेड मिर्च है थोड़ी, और यहाँ पीसी हुई लाल मिर्च, और गाइस ये वाली मिर्च मुझे बहुत पसंद है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चले गाइस, हल्का से इसके अंदर नमक जो है नॉर्मल ही रखेंगे, लगाते हैं ढक्कन और इसे बड़े गोश्त की तरह बनाएंगे, और ढक्कन इतना खुला रहना चाहिए क्योंकि जो पंजे कलेजी ओजरी और ऐसी चीज़ें हैं ना, उनकी स्मेल होती है जो कि इससे निकल जाएगी, बखरात बन के उड़ जाएगी। तो चलें गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। पानी हमारा जो है पंजों का खुशक हो चुका है, तो अब हम इसे आंच कम करेंगे क्योंकि लाइट नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि गाइस लाइट नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइट आ जाए तो फिर इसकी मैं भुनाई करूँ। तो मैं आंच बिल्कुल कम कर रही हूँ और ये अच्छे से गल भी गए हैं, कुछ और गल जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं आप। तो गाइस चलने ढक्कन लगाते हैं और आंच को करते हैं कम। फाइनली गाइस हमारे पंजे जो रेडी हो चुके हैं और मैंने ज़्यादा इसके अंदर शोरबा नहीं रखा, यहाँ देखें बस ग्रेवी वाली, मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है और ये बहुत मज़े के बने हैं। और इमरान साहब अंदर खा रहे हैं कमरे में, तो उनसे पूछते हैं जाके कि कैसे बने। तो धनिया मैंने डाल दिया यहाँ देखें, और ये अच्छे से गल भी गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आज का भी लोग पसंद आया होगा, आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं और सर्दी में ज़रूर बना के खाएं। तो हमारे घर में तो जी ऐसे ही बनते हैं, यहाँ देखें ये गल भी अच्छे से गल गए हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और इसमें मैंने थोड़ा सा शामिल किया था कोरमा मसाला। तो चलें बढ़ते हैं कमरे की तरफ। तो गाइस यहाँ देखें जी, मेरे साहब जो हैं इन्हें सर्दी लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़रा ठंड से आया हूँ और सर्दी मुझे लग रही है, बाइक पे ना काफ़ी हवा लगती है ना, तो इस वजह से अभी पहुँचा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे लगी थी बहुत, लेकिन पंजे जो है ना अच्छे बने। ये देखें व्यूअर्स, अभी मैंने खाया भी है, एक खाया मैंने और
सर्दियों में वैसे ये अच्छे भी होते हैं, गर्म होते हैं। मेरे बच्चों को इतना चिकन नहीं पसंद जितने पंजे पसंद हैं, और इमरान को तो खाने का तरीका भी ज़बरदस्त है, पूरा पंजा खा लेता है, एंड पे मुंह से हड्डियाँ निकालता है। तो यहाँ देखें तीनों सो रहे हैं और इनकी मौजें हैं, लाइट गई हुई है, यहाँ देख रहे हैं आप, लाइट नहीं है। और मैंने आज पूरा दिन मशीन लगाई थी और अम्मी के कपड़े धोए सारे और अपने जो थोड़े थे वो भी धो लिए, और उसके बाद फिर मैं ये पंजों की टेंशन में लग गई। तो बस पूरा दिन एक सेकंड भी जो है ना टाइम नहीं था बैठने का। तो गाइस उम्मीद करते हैं आज की मेरी मेहनत आपको आई होगी पसंद, और चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तो जो हम अच्छी से अच्छी लेके आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।